आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आप सबको पता है हम लोग विधि शास्त्र पढ़ रहे हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप विधि शास्त्र के पिछले वीडियो देख सकते हैं और विधि शास्त्र के अर्थ को जान सकते हैं और विभिन्न विधिवेताओं की जो परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज हम विधि शास्त्र के इस लेसन के अंदर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है विधि शास्त्र का महत्व बताता है। इसमें एक परिभाषा भी दी गई है, विधि शास्त्र कानून की नेत्र है, विधि शास्त्र कानून की आंखें हैं। इस लाइन के अनुसार ये बताया गया है कि विधि शास्त्र का क्या महत्व है। जैसे हमारे शरीर में आंखों का महत्व है, आंखों के बिना पूरी जिंदगी पूरी दुनिया अंधकार में है, हम कुछ नहीं देख सकते, हम कुछ नहीं जान सकते। उसी प्रकार विधि शास्त्र के अध्ययन के बिना हम विधि को नहीं जान सकते, विधि को उतना सुस्पष्ट नहीं जान सकते, विधि के अर्थ को नहीं जान सकते। जैसे भाषा के अंदर व्याकरण का महत्व होता है, व्याकरण ही भाषा को पूर्ण करता है, उसी प्रकार हमारी विधि को विधि शास्त्र पूर्ण करता है। अब जानते हैं विधि शास्त्र की उपयोगिता, विभिन्न विधिवेताओं ने किस प्रकार विधि शास्त्र को दैनिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी बताया है। विधि शास्त्र का महत्व है, विधि शास्त्र है वो सिर्फ विधि के स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं है, अपितु वह सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम जैसे जानते हैं जो हमारे टीचर्स हैं, जो विधिवेता है, जो अधिवक्ता है, न्यायाधीश है, राजनेता है, समाज के सामान्य लोग हैं, सभी को विधि शास्त्र के द्वारा विधि का ज्ञान होना आवश्यक है और विधि के द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, अपने अधिकार जान सकते हैं और अपने कर्तव्य जान सकते हैं और कर्तव्य को जान के सही प्रकार से उनका निर्वहन कर सकते हैं। जो विख्यात विद्याशी विधि शास्त्री थे उन्होंने बताया था कि विधि शास्त्र सामाजिक विज्ञान है, यह विधिवेताओं के लिए प्रकाश का काम करता है, मतलब विधि को समझने के लिए एक प्रकाश के रूप में काम करता है। जिस प्रकार प्रकाश से पूरा संसार उज्ज्वलित होता है और सब कुछ देख पाता है, सब कुछ समझ पाता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र के द्वारा हम विधि को अच्छे से जान पाते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं। विख्यात विधिशास्त्री सामण थे उन्होंने बताया है, जैसे समय के अनुसार विज्ञान का और गणित का महत्व बढ़ा है और उनके अध्ययन से हमने अनेक समस्याओं को सुधार किया है, समस्याओं का समाधान किया है, उसी प्रकार विधि शास्त्र के अध्ययन से भी विधि से उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि विधि शास्त्र के द्वारा, जैसे आज एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि कोई प्रतिकूल कब्जे की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस कब्जे के तत्व को जानने के लिए हमें विधि शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। विधि शास्त्र के अध्ययन के बिना हम ये नहीं बता पाएंगे कि कब्जा किस प्रकार है, उसका निवारण किस प्रकार किया जाना चाहिए। विधि शास्त्र केवल विधिक प्रणाली के माध्यम से न्याय प्रशासन में ही नहीं अपितु नवीन सिद्धांत विचार और प्रतिपादनों, विधि शास्त्र है वो केवल समाज को नियंत्रित ही नहीं करती अपितु वह नए सिद्धांतों और नई रचनाओं को महत्व देती है और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करती है। विधि शास्त्र होती है वह विभिन्न शाखाओं में आधारभूत जो संकल्पनाएं होती है और सिद्धांत होती है उनका ज्ञान के साथ उनके मध्य अंतर संबंध भी स्थापित करते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न न हो। शैक्षणिक दृष्टि से भी विधि शास्त्र का महत्व बहुत अधिक है। शैक्षणिक दृष्टि के द्वारा विधि शास्त्र में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनमें तार्किक आंसर देने की क्षमता विधि शास्त्र के द्वारा उत्पन्न होती है और विधि शास्त्र द्वारा एक मार्ग प्रशस्त किया जाता है जिससे समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। विधि शास्त्र है उसके द्वारा हमारे व्यक्तित्व में भी व्यक्तित्व का भी विकास होता है, उससे मस्तिष्क खुलता है और एक अच्छे मस्तिष्क के साथ हम अच्छे से समस्याओं को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। विधि शास्त्र का अध्ययन नवीन परिस्थितियों के प्रतिकूल सामंजस्य और कौशल का विकास करता है। विधि शास्त्र का विज्ञान इतना उच्च स्तरीय है कि इसका ज्ञान अवधारणाओं और मनोवेगों के साथ जीवन में प्रवेश करता है। जो विधि शास्त्र है वो नवीन परिस्थितियों में नए सिद्धांतों और जो अवधारणाओं हैं, मनोवेगों हैं, उनका परिवेश आसान बना देता है, जीवन में आसानी से उनका हम अपना सकते हैं विधि शास्त्र के द्वारा। विधि शास्त्र की गुत्थियों
मानव संबंधों की जटिलताओं के निराकरण का मार्ग विधि शास्त्र में तलाशा जा सकता है। यही कारण है कि विधि शास्त्र को विधि का व्याकरण कहा गया है। विधि शास्त्र को विधि का व्याकरण माना गया है क्योंकि यह गुत्थियों को सुलझाने में बहुत उपयोगी रहता है। इस प्रकार वर्तमान समाज में विधि शास्त्र के अध्ययन का महत्व नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। जेल प्रशासन में जो सुधार हुए हैं, कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार और मानव गरिमापूर्ण जीवन आदि अवधारणाओं का विकास विधि शास्त्र के द्वारा हुआ है। यहाँ तक कि पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और जो बाल विवाह और दहेज को रोकने की अवधारणा नए कानून बने हैं, वो विधि शास्त्र की ही देन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।